केरल के एर्नाकुलम में एशिया नेट न्यूज चैनल के कार्यालय में एसएफआई द्वारा गुंडागर्दी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस गुंडागर्दी की चारों तरफ निंदा हो रही है। पूरे मामले के बारे में जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। एशिया नेट न्यूज चैनल एर्नाकुलम कार्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के सदस्यों द्वारा की गई गुंडागर्दी के खिलाफ केरल में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की चारों ओर से निंदा हो रही है। मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ हमले पर राजनीतिक दल और पत्रकार संगठन सख्त हो गए हैं। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सहित विभिन्न प्रकार के संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। Yesterday night, the Asia Net office was clearly unfortunate. Everyone has the right to protest. You can raise your protest in whatever means you like. But I feel, going to an office and trying to stop the operations and intimidating the security officials is something should not have been done. हमले की निंदा करते हुए विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि इस घटना से मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर माकपा के पाखंड का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी की छात्र बटालियन का इस्तेमाल कर मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि एसएफआई के सदस्यों ने शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे केरल के एर्नाकुलम में एशियानेट न्यूज के कार्यालय पर हमला कर दिया था। लगभग 30 एसएफआई सदस्यों के एक समूह ने एशियानेट न्यूज के क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रवेश किया, सुरक्षा गार्डों को पीछे धकेल दिया और नारेबाजी करके और कर्मचारियों के सदस्यों और पत्रकारों को धमकी देकर प्रसारण के संचालन में हस्तक्षेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।